हाय दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल इनोवेटिव जीनियस नॉलेज में स्वागत है। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। ठीक, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन है, टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज में फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड कर दिया है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, पी फॉर पाकिस्तान, एफ फॉर फुटबॉल, एफ फॉर फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। चार्ड एक देश भी है, ठीक है, चार्ड। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला लिया है। तो चार्ड भी एक देश है, याद रखिएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड कर दिया गया है। बात आई थी भैया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देखिए आपके मैप में दिख रहा होगा, पाकिस्तान से भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो ऊपर से आप गिनते चले जाइए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्य हुए गए? लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4, गुजरात 5। कुल 5 राज्यों से पाकिस्तान सीमा बनाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या हैं? स्टेट हैं, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, जो भी कह लीजिए, और 3 क्या हैं? स्टेट हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा है, याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कहते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर करोड़पति वाले में, ठीक वैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान के द्वारा ये बताया गया है कि पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 10 साल। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी है। गहलोत, वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की बात कही थी। आइए भैया राजस्थान की बात आइए, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का, कुंभलगढ़, सीता माता, माउंट आबू, ये सब क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य यानी कि जीव जंतुओं को, जानवरों को संरक्षित करने वाले एरियाज। लोक नृत्य यहाँ पे कौन कौन सा भैया? धूमर, धापल, फूदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजर, गड़गौर है, ये सब क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य। अब राजस्थान की बात आई है, तो राजस्थान हमने अभी बताया है कि राजस्थान से जो है पाकिस्तान का सीमा लगता है, लेकिन अब राजस्थान में भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं या पड़ोसी हैं इसके? तो भैया पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली नहीं लगाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, गुजरात राजधानी गांधीनगर, और बीच में है राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में नहीं खेलेगा। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा, 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला
लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फीना ने कहा, तैराकी से संबंधित संस्था कौन सी है भैया? फीना, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैराकी से संबंधित वैश्विक संस्था फीना, जैसे फीफा फुटबॉल के लिए है उसी तरह तैराकी संबंधित फीना है। उसने क्या कहा है कि 18-23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं उत्तर कोरिया को। ये देखिए भैया उत्तर कोरिया है और ये देखिए दक्षिण कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ये देखिए उत्तर कोरिया और ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम जोंग उन और साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं चुंग सी क्यून। ये है कहाँ पर? ये आपका पड़ेगा, ये देखिए जापान है। इधर आप देखेंगे तो इधर जापान है, होन्सू होकाइडो होसू करके चार द्वीप हैं तो उन्हीं को मिलाकर पूरा जापान है। जापान के आप देखेंगे तो पश्चिम साइड में उत्तर और उत्तर पश्चिम साइड में पड़ेगा ये, उत्तर पश्चिम में, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के साइड में। और इधर जो है पीला सागर है, ये जो है ना पीला सागर, येल्लो सी पड़ता है इधर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया भैया मेढक के, मेढक के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है जीवित रोबोट बनाने के लिए। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया। इन रोबोटों को जेनोबार्स नाम दिया गया। ये देखिए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों को कौन सा नाम दिया गया या रोबोटों को कौन सा नाम दिया गया? रोबोट्स जो मेढक से बनाए, मेढक कोशिकाओं से बनाए जाएंगे रोबोट, उनका नाम क्या दिया गया भैया? जेनोबार्स। मेढक के कोशिकाओं से बनाए गए रोबोट्स का नाम जेनोबार्स, याद रखिएगा। जेनोबार्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं, उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है। मेढक का नाम क्या है? जेनोपस लाविस के नाम पर रखा, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है, याद रखिएगा अफ्रीकी मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने की अनुमति दी है? DRDO के द्वारा, यह बताया गया भैया रक्षा अनुसंधान मंत्रालय मतलब संगठन, डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है या घोषणा विकास व उत्पादन भागीदारी कार्यक्रम के तहत भी किया गया है? आइए जान लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO का स्थापना हुई थी 1958 में। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं और मिसाइल लॉन्चिंग पैड स्थान यानी कि परीक्षण केंद्र कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर? सागर तट से बहुत दूर है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ से? भुवनेश्वर से भी 150 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? व्हीलर द्वीप में। व्हीलर द्वीप कहाँ पर? ब्राह्मणी नदी पर। और इसी व्हीलर द्वीप का नाम पड़ गया है कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनामय योजना शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अनामय एक योजना अभी चलाई गई है हाल ही में, यह चलाई गई है भैया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनजाति स्वास्थ्य सहयोग अनामय योजना की शुरुआत की है। ठीक, ये जो है पूरा का पूरा जनजातीय लोगों से संबंधित उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है अनामय योजना के थ्रू। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये PIB की न्यूज़ थी। अगला है भैया, कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया। तो राजस्थान के बारे में कुछ जानना है नहीं, मैंने पहले ही 2 बार बता चुका हूँ राजस्थान के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर, भारत की, एक मिनट ये हट क्यों नहीं रहा भाई, तू चल इधर, भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन है? चंद्रा नायडू है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू, इनको याद रखिएगा। भारत की पहला महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो चुका है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी, पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी, याद रखिएगा। उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे और इंदौर में MCC के बीच 1977 में एक मैच के दौरान किया था। उन्होंने अपने दिवंगत पिता, दिवंगत मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी,
जो एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, पर्सी के नायडू ए डॉक्टर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक भी लिखी है। ए डॉटर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोध पोर्टस सुपेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भैया सुपेस जो लॉन्च किया गया पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी लॉन्च कर दिया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 80 का मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाने का विचार किया गया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने सुपेस के वर्चुअल लॉन्च के दौरान उद्घाटन भाषण भी दिया गया। सुपेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुपेस से सुप्रीम कोर्ट याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ जोसा उस्मानी हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? यही है, देखिए भैया, ओ जोसा उस्मानी, ये कोसो एक यूरोपीय देश है, वहाँ की ये राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। कोसो की संसद ने ओ जोसा उस्मानी को देश का नया राष्ट्रपति नवनिर्वाचित कर दिया है। उस्मानी को कोसोवा की विधानसभा में तीसरे दौर के मतदान में सांसदों ने 71 वोट मिले, जबकि 120 सदस्यीय संसद में। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि कोसोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? ओजोसा उस्मानी। अब ये कोसोवा है कहाँ, आइए मैप में देख लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया, आप यूरोप महाद्वीप या यूरोप कंटिनेंट के भाग में जाकर देखेंगे तो मिलेगा कोसोवा। ये देखिए, ये कोसोवा। अब इसमें है कहाँ पर कोसोवा, कौन वाला है? लिखा तो है कहीं और पर, है कहीं और, तो इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये देखिए जो रेड कलर वाला, ये जिस पे मैं इंडिकेशन दिया हूँ, यही है कोसोवो। कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीने। ये देखिए, प्रिस्टीने जो है कोसोवो की राजधानी है। ठीक, यूरोपीय देश है ये। मैसिडोनिया है इसके उत्तर, पूरा पश्चिम, दक्षिण में देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर एरो का निशान लगाइए, इसके दक्षिण मैसिडोनिया, उत्तर में सार्बिया, और उत्तर पश्चिम में भी सार्बिया, और पूरब और उत्तर पूरब में भी सार्बिया है। ठीक है, और दक्षिण में इसके आ जाएगा आपका अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ये देखिए अल्बानिया, ये अल्बानिया है। तो उत्तर में क्या है भैया? सार्बिया, दक्षिण में अल्बानिया, और पूरब में मैसेडोनिया, और इधर पश्चिम और उत्तर में सार्बिया। ठीक है, ये सागर है, एक इधर एक सागर पड़ता है, उस सागर का नाम है, आपको मैं बता दूं, एडियाटिक से, एडियाटिक उसका नाम है, एडियाटिक, एडियाटिक सागर है। इसी सागर के बगल में नहीं, इस सागर के बगल में आपका पड़ जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया के जस्ट ऊपर है कोसोवो, एक यूरोपीय देश है, इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता समाप्त। ज्वाइन मी फॉर द ऑल वीडियोज PDF। आज थोड़ा सा एडवर्टाइज लगा दिया हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज्वाइन मी फॉर द ऑल वीडियो, यानी कि आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर? टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, टेलीग्राम चैनल में सर्च करेंगे आप क्या, इनोवेटिव GS नॉलेज, इनोवेटिव GS नॉलेज करके आप सर्च करेंगे तो उसमें इस तरह का जो है उसका वो DP आ जाएगा, DPIGSK के नाम से आ जाएगा, दिखेगा, इनोवेटिव GS नॉलेज। टेलीग्राम पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या आपको फ़ायदा होगा कि हर एक वीडियो जो भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसका आपको PDF मिल जाया करेगा, यही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।